दोस्तों, आप आए दिन दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोगों की सफलता की कहानी सुनते हैं। यकीनन एवरेस्ट पर चढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में कितना समय लगता है और इसमें कितना खर्चा आता है? अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊँची चोटी है जो पड़ोसी देश नेपाल में स्थित है। नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब आकाश की देवी होता है, जबकि तिब्बत में इस पर्वत को चोमो लुंगमा के नाम से जाना जाता है। हर साल इस चोटी पर चढ़ने के लिए सैकड़ों लोग तैयारी करते हैं, लेकिन कामयाबी कुछ ही लोगों को मिलती है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट जितना रहस्यमयी है, उस पर चढ़ाई के नियम उतने ही अनोखे हैं। इस पर्वत पर चढ़ने के लिए 2 बजे के नियम का मुख्य रूप से पालन करना होता है। दरअसल माउंट एवरेस्ट के ठंडे और अप्रत्याशित मौसम के चलते पर्वतारोहियों को सलाह दी जाती है कि वह दोपहर 2 बजे तक माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंच जाए, लेकिन अगर कोई पर्वतारोही इस वक्त तक शिखर तक नहीं पहुँच पाता है तो उसे वापस आने को कहा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि 2 बजे के बाद तापमान में गिरावट शुरू हो जाती है और मौसम खराब होने लगता है, ऐसे में जान का खतरा बढ़ जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए सबसे पहले आपको बेस कैंप तक पहुंचना होता है, जहां तक पहुंचने में 10 से 14 दिनों का समय लगता है। इसके बाद एवरेस्ट बेस कैंप से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई शुरू होती है। बता दें कि बेस कैंप से माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने में 39 से 40 दिनों का वक्त लगता है। कई लोगों को तो इसमें 60 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि ज़मीन की तुलना में एवरेस्ट पर ऑक्सीजन की मात्रा केवल 1/3 है। ऐसे में जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, मुश्किलें बढ़ती जाती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए आपको फिट होना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपके पास पैसा भी होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने से पहले आपको नेपाल सरकार को $11,000 यानी करीब 9.25 लाख रुपए फीस चुकानी होती है। इसके अलावा इस पूरी यात्रा में आपको तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। इसमें ट्रेनिंग फीस, किट फीस और नेपाल सरकार के नियम के मुताबिक आपको एक गाइड भी लेना होता है। बता दें, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले ज़्यादातर पर्वतारोहियों को बड़ी बड़ी कंपनियां स्पॉन्सर करती है, जिसमें वो उसका सारा खर्चा उठाती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसे ही रोचक वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।